हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो है ना, पिछले वीडियो सेशन में मैंने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे। तो एक अनुप्रयोग पढ़ा दिया था कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार हो, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आज के इस सेशन में हम बताएंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित एक चादर है, देखो समझना। एक ये देखो चादर रही, अनंत विस्तार की है। तुमने थोड़ा स्टैक की बना के दिखाया, तो मतलब ये शो हो रही है अनंत विस्तार की चादर है, मतलब बहुत बड़ी चादर है। अनंत जो फिजिक्स में एक शब्द आता है अनंत, उसका तात्पर्य क्या होता है? अनंत का, अनंत का मतलब होता है आउट ऑफ रीच, जो हमारे रीच के बाहर हो वो क्या है? अनंत है। जो हमारी पहुंच के बाहर हो वो क्या होता है? अनंत। एक समान ये है अनंत विस्तार की। अनंत विस्तार मैंने कह दिया बहुत ज्यादा विस्तार की है, ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तार की है। ये जो है हमें पता नहीं है कितने विस्तार की है, बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, अनंत विस्तार की, ठीक है। उसके बाद का एक समान आवेशित, समान रूप से आवेशित है। ये देखो मतलब इस पर आवेश दिया गया होगा और वो जो आवेश है इस पर एक समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया, फैल गया एक समान रूप से। तो एक समान रूप से आवेशित हो गई ये चादर। समतल है, प्लेन है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इसके आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली। इसकी कल्पना कर ली गॉसियन बेलन की। इसके आर पार एक गॉसियन बेलन है, ये देखो। अब गॉसियन बेलन कल्पना मतलब हमने सोचा होगा इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके जो फलक हैं वो दो हैं, चादर है, चादर के कितने फलक? मान लो ये अनंत, ये एक चादर है, ये हमारा जो हाथ है, पाम है, हथेली, ये चादर है। अब एक तो ये वाला फलक हो गया इसका, एक पॉइंट ये हो गया। तो मान लिया एक पॉइंट था पी, दूसरा पॉइंट था पी डैश। तो हमें पी और पी डैश दोनों पे निकालनी होगी क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो। या फिर इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, P1 P2, क्लियर। अब देखो आसपास एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली। अब एक चीज देखना, हमने यहां पे एक छोटा सा घटक लिया क्षेत्रफल का, एक यहां पे छोटा सा घटक लिया क्षेत्रफल का। अब बेलन में जो बेलन ली हमने, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? बेलन में कितने क्षेत्रफली पृष्ठ होते हैं? तीन, एक नीचे वाला, दो एक वक्र, ठीक है। तो वक्र हमने यहां पे ले लिया, ये देखो ले लिया वक्र, कोई दिक्कत, एक वक्र पृष्ठ यहां पे ले लिया। जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की हमेशा दिशा समान होती है। तो यहां पे जो ये देखो पॉइंट P1 था, ये देखो मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई E, यहां पे भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये देखो क्या हो गई E, और यहां पे भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी डायरेक्शन में तो होगी, क्षेत्रफली अवयव इस तरफ और इसका क्षेत्रफली अवयव इस तरफ, देखो इस तरफ दृष्ट है। अगर बेलन हमने ऐसी रखी तो इसका जो क्षेत्रफली अवयव होगा वो इस तरफ दृष्ट होगा, इसका क्षेत्रफली अवयव होगा इस तरफ दृष्ट होगा। लेकिन सममिति के कारण बेलन गोल गोल है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफली अवयव होगा वो ऊपर की ओर होगा, ये देखो इसका क्षेत्रफली अवयव इधर होगा। तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है? जीरो। तो फाई इक्वल्स क्या होता है? इसके पहले वाले हमने बताया था बहुत विस्तार से, ई ए कॉस थीटा। और अगर कॉस जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू एक होती, कॉस नब्बे, कॉस नब्बे की वैल्यू क्या होती? जीरो। यहां पे एंगल कितना बनेगा? नब्बे बनेगा। तो यहां पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहां पे जीरो हो जाएगा, यहां पे ई ए होगा, यहां पे ई ए होगा, ठीक है। अब समझ लो एक अनंत विस्तार की एक समान आवेश चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अनंत विस्तार की एक चादर है, इस पर जो आवेश है, इस पर आवेश हमने कितना दिया? क्यू। अगर इसका क्षेत्रफल मान लें ए, तो अब इस पर कौन सा आवेश घनत्व होगा? आवेश घनत्व तो तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन आवेश घनत्व। तो इस पर चादर है तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते थे? पृष्ठीय आवेश घनत्व को दिखाते थे सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ए। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। Q
क्यू इक्वल्स क्या हो गया सिग्मा इंटू ए, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन ए या क्यू इक्वल्स सिग्मा इंटू ए। अब देखना कुल वैद्युत फ्लक्स परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ये तो कहती परिभाषा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल्स क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, मतलब डी ए यहाँ पे क्षेत्रफलीय अवयव डी ए मान लिया, यहाँ पे देखो क्षेत्रफलीय अवयव डी ए है, तो फाई ई लेना पृष्ठीय वैद्युत फ्लक्स है, फाई ई इक्वल्स ये हो जाएगा। अब डी ए पे जब इंटीग्रेशन लगेगा तो ई इंटू ए होगा ये, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ई इंटू ए, तो फाई ई इक्वल्स क्या हो गया ट्वाइस ई ए। इसको लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन गॉस क्या कहते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग है तो गॉस की बात तो सुननी पड़ेगी, गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई इक्वल्स क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल्स क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से ट्वाइस, अब देखो दोनों बराबर हो जाएंगे ये फाई ई सॉरी मौत का मौसम चल रहा है कोरोना वाला, वैसे है नहीं हमें। अब देखो कुल वैद्युत फ्लक्स परिभाषा से फाई ई इक्वल्स ट्वाइस ई ए निकला जब ने इसको सॉल्व किया, और गॉस के नियम से फाई ई इक्वल्स क्या निकला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ट्वाइस ई ए इक्वल्स सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो ई इक्वल्स क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अनंत विस्तार के एक समान आवेश समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र निकल आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, बेल आइकन वाली जो वो नहीं होती बेल आइकन वो होता है ना उसको भी दबा लेना, ताकि नई वीडियो जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट जरूर किया करिए। एक चीज और देखते हैं, इसमें जो व्यू आ रहे हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन है, जब एवरेज टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं किसी ने एक मिनट देखा किसी ने दो मिनट देखा, भाई एक मिनट और दो मिनट देखने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा आप देखो ही ना कोई भी वीडियो देखो ही ना, व्यू आ जाता है और आप उसको देखते आप फायदा उठा नहीं रहे उसका, तो क्या फायदा देखने का भाई। अगर देखना हो तो ईमानदारी से पूरा वीडियो देखो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, नहीं फायदा क्या है कि मोबाइल लेके बैठे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपका पबजी चल रहा है ना, यूट्यूब कुछ और चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, ठीक है खैर आपका अपना समझदार हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे।